तक आप जिन सेलिब्रिटी स्टार्स को पर्दों पर देखते नज़र आते थे, लेकिन अब जो है सेलिब्रिटी राजधानी रायपुर के मैदान में खेलते नज़र आएंगे। तो हमारे साथ चेन्नई टीम के जो हैं जीवा जी मौजूद है। सर, आप रायपुर आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सच अ ब्यूटीफुल सिटी एंड हम बहुत एक्साइटेड है हम ये ग्राउंड में खेलने के लिए, इंटरनेशनल ग्राउंड में। और आई थिंक दिस इज़ द सेकेंड बिग इवेंट कुछ हो रहा है यहाँ पे, सो हम सब बहुत खुश है यहाँ पे। सर, ये जानना चाहेंगे, चूँकि चेन्नई की टीम चैंपियन रह चुकी है, और इस बार की किस तरह की तैयारी है आपकी? बहुत अच्छा तैयारी हो रहा है अभी, ऑल द प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं और सब यंगस्टर्स हैं, और ऑल्सो वी हैव सम ओल्ड प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, और हम टू टाइम्स विनर है एंड एक टाइम रनर्स अप है। सो आई एम श्योर द 6 to 7 years में हम बहुत अच्छा खेले हैं, और आफ्टर दिस 3 years का गैप के बाद हम यू गोना बाउंस रियली हार्ड। एक और सवाल सर की, जैसे आपने काम किया बॉलीवुड में रणवीर के साथ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था, रणवीर इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, ग्रेट एक्टर, और उनका फिल्म का सब बहुत अच्छा, बहुत पसंद है मुझे, बहुत अच्छा फ़ैन हूँ मैं उनका फिल्म्स का, और उनके साथ काम करने का एक ब्यूटीफुल एक जर्नी था। एक साल हम सब लाइक क्रिकेट के 83 के लाइक यू नो उसका सराउंडेड में थे, और अच्छा ट्रैवल किया और अच्छा क्रिकेट एक्सपोजर मिला हमें, और धर्मशाला में थे, और उसके बाद हम लंदन में एक तीन महीने थे, बहुत अच्छा था। एक लास्ट सवाल सर, जैसे कि आज के समय में बाइकॉट चीज़ें चल रही है, चीज़ें चलती हैं, और जो सिनेमा को लेकर भी साउथ की इंडस्ट्री को लेकर जो लोगों का क्रेज़ बढ़ गया है, तो उसको कैसे देखते हैं? वो ऐसा नहीं है, बॉलीवुड में भी अभी पतन चला है, सो अच्छा तो 1000 crores बनाया है, सो अच्छा कॉन्टेंट देने से वो टाइमिंग भी होता है, सब साउथ का सब फिल्म्स भी नहीं चलता है, लाइक यहाँ से साउथ से एक 500 films रिलीज होता है, उसमें एक 5 film बहुत हिट होता है, बट हाँ उसमें साउथ में लॉट ऑफ इमोशंस होता है, एंड वो इट्स नॉट मोर ऑफ वेरी ग्लॉसी, थोड़ा रूटेड है हमारा स्टोरीज, सो बहुत रूटेड है, एंड सबको एक अच्छा सेंसिबिलिटीज में थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, सो या सो इट्स नॉट मोर ऑफ ए क्लास, आई थिंक साउथ में सब ऑल क्लास में का फिल्म्स हम करते हैं, सो क्या होता है रिलेटेबिलिटी इंडिया बिकॉज ऑफ द डबिंग इंडस्ट्री हैज़ गॉन रियली वेल, सो उस वजह से हमें अच्छा सा लाइक वी हैव गॉट गुड रिकग्निशन हियर। सर, टीम में आप किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, कौन से बैट्समैन हैं? बैट्समैन एंड बॉलर हूँ, सो मैं ऑलराउंडर हूँ, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस, बट दिस टाइम मुझे हेयरलाइन क्रैक हो गया, सो ये मैच मैं मिस करूँगा, सो शायद नेक्स्ट मैच से खेल पाऊँगा। थैंक यू।